हाय फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी मेरे बहुत स्पेशल फेवरेट ऑर्किड के बारे में, जिसका नाम है फैलनोप्सिस। इसका कॉमन नेम है मॉथ ऑर्किड। आप देख सकते हो ये फ्लावर कितना सुंदर है। बहुत ही छोटा होता है, इसका टोटल वेट 300 ग्राम्स। ओके, अब बहुत छोटा पॉट में इसको ग्रो कर सकते हो। इसको लाइट बहुत कम चाहिए होता है और ये फ्लावरिंग मतलब कम लाइट में फ्लावरिंग प्लांट है। तो जो हम लोग जो फ्लैट में रहते हैं ना, जिनके पास ओपन स्पेस नहीं है, लाइट इतनी अच्छी नहीं है, बट हमें फ्लावरिंग प्लांट ग्रो करना है, तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा ऑर्किड है। फर्स्ट मैं बता रही हूँ इसके लाइट के रिक्वायरमेंट के बारे में। जैसे लाइट ना बहुत कम चाहिए होता है, बट इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में ग्रो करेगा। और ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर एयर सर्कुलेशन प्रॉपर हो, क्योंकि ये जो ऑर्किड्स होते हैं ना, कोई भी प्लांट को एयर सर्कुलेशन भी बहुत ज़रूरी है। इनको भी बहुत मतलब एयर सर्कुलेट प्रॉपरली ना हो तो फिर इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। मीन्स आप विंडो सील में रख दो या आप कोई ओपन छोटा। इसके बाद में बताऊंगी इसके सॉइल के बारे में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसको बेसिकली ये एपिफाइटिक प्लांट है, मीन्स ये बड़े बड़े ट्री के जो क्राउन है उसके मतलब स्टेम के ऊपर अंडर बेसिकली स्टेम में और ब्रांचेस में, तो इसको मीन्स इसको प्रॉपर एज यूजल कोई सॉइल नहीं यूज़ होता है। तो वो क्या करता है, जो स्टेम है ना, स्टेम के ऊपर उसको अपने रूट्स रख के उसको पेनिट्रेट करके वहाँ पे वो होल्ड करके एंकर करके रखता है। तो एज यूजल जो सॉइल हम लोगों का होता है ना, गार्डन सॉइल, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके लिए हम, क्योंकि हम घर में इसको ग्रो करेंगे तो हमारे पास तो ट्री होगा नहीं। माउंटिंग कर सकते हैं तो हम बहुत अच्छा है, बट माउंटिंग तो पॉसिबल नहीं होता हर वक्त। तो इसलिए ना हम लोग ये जो चारकोल है ना, आप चारकोल यूज़ कर सकते हो या कोकोनट हास्क है। आप देखो ये बहुत सॉफ्ट हो गया, ये कोकोनट हास्क है, और ये मिक्स करके यूज़ करो तो सबसे अच्छा है। चारकोल थोड़ा ज़्यादा कर दिया और कोकोनट हास्क थोड़ा कम कर दिया, और जब ये डिकम्पोज हो जाता है ना, आप देखो कैसा हो जाता है। और इससे क्या होता है ना, मतलब सॉइल जैसे ये देखो कोकोनट से, आप देखो अभी भी ये सॉफ्ट है। अभी कल ही इसके वाटरिंग की थी मैं, एक ऑन्सीडियम के, उससे सॉइल निकाल के ले आई हूँ, और इसमें चारकोल ज़्यादा है। तो ये मिक्सचर मेरे लिए अभी, मुझे लगता है ये मेरे लिए अभी बेस्ट है, क्योंकि बाकी जो है ना पाइन बार्क मैं यूज़ कर चुकी हूँ तो बहुत ही अच्छा है। बट क्या होता है कि उसमें ना मीन्स वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। और एक ये भी है, ये देखो ये सॉइल भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ये वाला जो है ये भी बहुत अच्छा है। इसको भी अब मिक्स करके मैंने ये लगाया हुआ है। इसको रीपॉटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये प्लांट का जो स्टेम है कितना ऊपर चला गया। अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे इसके वाटरिंग करती हूँ, बिकॉज़ ये जो प्रोसेस है ना वाटरिंग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ ना, अगर इसके, ये जो प्लांट आप देख रहे हो, इसके अगर लीप के ऊपर पानी चला जाए या कहीं पे कारण ये स्टेम में पानी रह जाए ना, तो फिर ये रॉटिंग हो जाती है। तो ये वाटरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बता रही हूँ इसके वाटरिंग के बारे में, तो कैसे करते हैं आप देखो। ये इसके जो रूट होता है ना, ऐसे ट्रांसपेरेंट पॉट लेते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है बाहर से ग्रीन ग्रीन रहता है या सिल्वरी हो जाता है। अब यहाँ देखो रूट सारे इसके सिल्वरी हो चुके हैं। तो इसको जब वाटरिंग करोगे ना, ऐसे आप इसको कोई पानी के बड़ा सा कोई वेसल ले लिया, जो आप यूज़ नहीं करते हो नॉर्मली किचन में, तो आप उसमें इसको ऐसे 15 मिनट भिगो के रख दो, इसको सोक करने के लिए रख दो। और इसका जैसे वाटर लेवल थोड़ा ज़्यादा कम है, तो इसमें थोड़ा और ज़्यादा वाटर लेवल लाना पड़ेगा, तो यहाँ तक आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जैसे वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा पानी दे देना। मेरा ये छोटा है, मैं जस्ट दिखाने के लिए आपको ये कर रही हूँ। जैसे आप देखो ये अगर पानी आ जाएगा ना, तो सारे ये वाटर सोक करने के बाद ना, आफ्टर 10-15 मिनट्स में ये पूरा एब्जर्व कर लेगा वाटर, और पूरा वो ग्रीन हो जाएगा जो सिल्वर मिक्स है। अच्छा, इसके बाद जो है ना, कि इसके वाटरिंग के लिए मैंने जो बोला कि इसके यहाँ पे नहीं लगना चाहिए स्टेम पे, और ये जो है लीफ में भी नहीं लगना चाहिए, फिर इसमें रूट रॉटिंग और लीफ रॉटिंग के चांसेस होते हैं मेरे। ये देखो आप छोटा सा एक प्लांट जो है, इसमें आप देख सकते हो इसमें ना ऐसे ही हुआ था, कितना छोटा हो गया इसका। मैंने ना इसको शुरू शुरू में ना बाई चांस यहाँ पे पानी लग गया था,
और पानी लगने के बाद ये पूरे रॉटिंग हो गया था। तो उसके बाद मुझे इसको अभी बहुत मुश्किल से मैं इसको ग्रो कर रही हूँ। और ये देखो इसमें ना ये ग्रीन ग्रीन रूट्स है, दैट मीन्स इसमें अभी भी पानी है, तो इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना समझ भी नहीं आ रहा, कभी कभी हम इतने ट्रांसपेरेंट पॉट तो यूज़ नहीं करते हैं ना, जैसे ये देखो ये यहाँ पे पानी नहीं है, ड्राई हो चुका है तो ये सिल्वरी हो गया, और ये देखो यहाँ पे पानी है तो ये कैमरा में पता नहीं इतना समझ आ रहा है, यानी पानी है तो ये ग्रीन है। अदरवाइज आप ना ऐसे फिंगर डाल के देख लो कि पानी है या नहीं, या फिर ये पानी है तो इसको वाटरिंग नहीं करना, ज़्यादा पानी से ना इसके रूट रॉट हो सकता है। हाँ, आज इसके बाद आप वाटरिंग के जो फ्रिक्वेंसी है मतलब आप कैसे करोगे, मीन्स अगर गर्मी है ना ग्रोइंग सीजन में, इसको 7 to 10 days में आप मोस्टली जो नॉसिस है शेड्यूल है उस हिसाब से 7 to 10 days में आप इसको वाटरिंग करोगे, और विंटर में थोड़ा कम करना, मीन्स 15 days में एक बार कर दिया। ये डिपेंड करता है आपके वहाँ के एटमोसफेयर कैसा है, वेदर कितना है, कैसा है ह्यूमिडिटी, ये सब के ऊपर इसका डिपेंड करता है। अच्छा, ये कम पानी देना बेटर है ज़्यादा पानी देने से, बिकॉज अगर ज़्यादा पानी हो जाए ना तो रूट रॉट के चांसेस होते हैं, तो बेटर है आप कम पानी दो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा और 10 दिन की जगह पे 12 डेज 13 डेज कर दो, बट ओवर वाटरिंग मत करना। अच्छा जी, ह्यूमिडिटी भी ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ऑर्किड ग्रो करने के लिए। एक्चुअली जहाँ पे समर बहुत ड्राई या विंटर बहुत ड्राई है ना, वहाँ पे रेगुलर वाटर इंकल करना, स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। और मैं भी करती हूँ, मतलब वीकली ट्वाइस थ्राइस, और मैं पानी में थोड़ा नीम ऑयल डाल देती हूँ, उसमें थोड़ा सा नीम ऑयल के साथ थोड़ा सा विम बार या कोई भी डिटर्जेंट डाल देती हूँ और उसको स्प्रे करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपका जो ह्यूमिडिटी है वो भी मेंटेन होता है, साथ में अगर कुछ इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत कम हो जाता है। और अगर बहुत ही ड्राई एरिया है ना, तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो प्लेट है ना, उस प्लेट में आप थोड़ा पेबल्स और कोई स्टोन रख दो और उसमें पानी दे दो, उठा दो, तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। मोस्टली ना ऑर्किड ग्रो करना, मैं जो दो तीन साल से मैं ग्रो कर रही हूँ, मैंने जो देखा है कि ये बहुत ईजी है। और अगर आसपास आपके बैल्कनी में बहुत सारे प्लांट्स हैं ना, तो उससे भी इसको ह्यूमिडिटी मिल जाती है। मैं जो फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, फर्टिलाइज़र एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो सॉइल जैसा ही है कि सॉइल और वाटरिंग की तरह ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको आपको फ्लरिंग चाहिए ना, तो आपको फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा। ये मेरा है ऑर्किड बून, मैं अमेजन से लिया था। आप कहीं कोई भी बहुत सारे ऑर्किड प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र मिल जाता है, आप कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो। और ये जो है कि अगर ये अच्छा है, मैं इसको यूज़ करती हूँ, और ये ग्रोइंग के एक वीकली एक बार मैं ये यूज़ करती हूँ। अगर आपको फ्लावरिंग के लिए चाहिए तो मैं उसके इसी के मैं ये फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स भी यूज़ करती हूँ, आप ये देख सकते हो। ओके, अच्छा, इसके बाद जो है ना वीकली आपको फर्टिलाइज़र यूज़ करना है ग्रोइंग सीजन में। ड्यूरिंग समर आप इसको यूज़ करोगे, विंटर में आप वंस इन अ मंथ यूज़ करना, दैट इज़ सफिशियंट। ओके, अच्छा, इसके बाद है इसके डिजीज़ के बारे में। जो मैं तो नीम ऑयल स्प्रे करती हूँ ना, तो इसके लिए मेरे प्लांट्स में इतना ज़्यादा कोई डिजीज़ अभी तक नहीं देखा है। और मोस्टली ये जो ससेप्टेबल टू रूट रॉट एंड क्राउन रॉट रिप लीफ रॉट, आपको मैंने जो बताया, यहाँ पे अगर लग जाए या ज़्यादा पानी हो जाए, अगर सॉगी रहे आपका मीडियम बहुत दिन तक और एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो, तो ये सारे हो सकता है। अदरवाइज़ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं पे आपके विंडो में इसको इजीली आप हैंग कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत लाइट वेट है ना, तो इजीली आप इसको हैंग कर सकते हो। तो इसको डिजीज़ के इसका ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो लास्ट ईयर का ये स्पाइक था, ठीक है, तो वो वाला स्पाइक मैंने इसको तोड़ा नहीं था, उससे दूसरा स्पाइक निकला है, और इसमें से आप देखो 3 फ्लावर्स आए हैं। तो फैलेनोप्सिस का एक ये और एक खूबिया है कि आप पुराना स्पाइक अगर ना तोड़ो ना, उसमें से सेकेंडरी स्पाइक भी निकल सकता है। कितना अच्छा है ना। अच्छा, तो ऐसे होता है कि अगर प्लांट से आपको उस बेबी प्लांट निकलना होता है, तो कभी कभी ना जैसे ये स्पाइक से निकल जाता है, इसमें से फ्लावर स्पाइक ना निकल
के ना इसमें से बेबी प्लांट निकल आता है। तो इसके लिए ना मैं एक आपको दिखाने के लिए मैं ये ले आई हूँ डेंड्रो, और ये जो डेंड्रोबियम है ना, डेंड्रोबियम के आप देखो ये बेबी प्लांट है, ये वाला बेबी प्लांट है, ये जो है ना ये बेबी प्लांट है। और ये बेबी प्लांट के जो थोड़ा सा रूट 2-3 इंच लॉन्ग हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा, और 2-3 लीफ तो इसके आगे, पर इसका रूट अभी छोटे छोटे हैं। तो ये फ्लावर स्पाइक से भी निकल सकते हैं या ओल्ड स्टेम से भी निकल सकते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप इसको फिर एक छोटा सा पॉट लेके वहाँ पे लगा दो, तो इससे आपको बेबी प्लांट मिल सकते। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब।